Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. मैं आप सब बच्चों का और बड़ों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। बच्चों चल रही थी गेम, कौन सी गेम? रमजान चैलेंज। और दो एपिसोड में कंटिन्यू है, अभी ये तीसरी एपिसोड है इसी गेम के साथ। और भी बहुत कुछ सीखना है रमजान के महीने के ताल्लुक से, लेकिन हमें उम्मीद है ये एपिसोड में गेम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सवाल। जैसा कि मैं बताया कि हम सब सवालों के लिए थ्री थ्री स्पेसेस आगे बढ़ रहे हैं, ओके? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सवाल है युसरा के लिए। जो लैलतुल कद्र में नमाज पढ़ता है और रमदान में रोजे रखता है ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से, उसे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है जल्दी बताइए? सवाब मिलेगा। सवाब तो मिलेगा, लेकिन खास क्या चीज मिलेगी? जन्नत। पास हो गए, दो ट्राई तो कर लिए। यस, क्या मिलेगा उसे? खुदा। मैंने हदीस बताया था प्रोग्राम के अंदर, बताइए पास क्या मिलेगा उसे? पास। ओके, यस अब्दुल्ला। बाबू रमदान। बाबू रमदान। हाँ, बाबू रमदान नाम का कोई वो नहीं है, बाबू रैयान है। लेकिन यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुफिर लहुमा तकद्दमा मिन ज़म्बी, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे किसके? जो लैलतुल कद्र में इबादत करता है या रमदान में रोजे रखता है ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से। तो आप लोगों का सबका मिस हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदा के लिए कौन से एंजल से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती थी एवरी नाइट रमदान में? एवरी नाइट कौन से एंजल से मुलाकात होती थी? कौन से एंजल से मुलाकात होती थी जल्दी? करेक्ट आंसर, जिब्रील। खुदा कम्स थ्री स्टेप्स फॉरवर्ड, वन टू एंड थ्री। यस, नाउ नफीस योर क्वेश्चन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को क्या करते थे? कुरान पढ़ के सुनाते थे। एवरी नाइट में क्या करते थे? कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ के सुनाते थे और फुल कुरान पढ़ते थे। और लास्ट ईयर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार कुरान पढ़ के सुना है। किसे? जिब्रील को। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नफीस। अगर कोई पर्सन ट्रैवलिंग पे है, सफर पे है रमजान, तो सफर पे उसे रोजे के ताल्लुक से क्या करना चाहिए? रोजा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट अब्दुल्ला, पास। नहीं रखना चाहिए, रॉन्ग आंसर। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अगर सफर में तो उसे नहीं रखना, नहीं रखना चाहिए, रॉन्ग आंसर। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? क्या बना? सफर पे है, सफर पे कोई, जर्नी पे, जर्नी पे ट्रैवलर है, ट्रैवलर, उसे रोजा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? पास। नहीं। जल्दी बताओ, टाइम इज पास हो गया अभी। पास। अभी जवाब तो दे सकते हो लेकिन मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ बता दो। अगर उसके पास ताकत है और इस्तेदाद है तो रख सकते हैं। ये सही जवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफर के दौरान रोजा रखूं कि नहीं रखूं, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तो रखो और चाहते हो तो मत रखो। मतलब चाहो तो रखो, चाहो तो मत रखो। नहीं रखो कब? सफर में, सफर में। हाँ, तो किसी को भी जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होम, किसके लिए? अब्दुल्ला। यस, रमजान का महीना शुरू हुआ जानने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखने का? चांद। सही जवाब अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला गोज थ्री, वन टू एंड थ्री स्टेप्स फॉरवर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन युसरा के लिए। अगर कोई शख्स भूल जाए कि उसने रोजा रखा है और खा ले या पी ले तो उसे क्या करना है? रोजे के अंदर खा लिया, पी लिया, भूल गया, बाय मिस्टेक, उसे अल्लाह से माफी। और रोजा कंटिन्यू है कि नहीं है? टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा। रोजा टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा।
तो उसे रोजा कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। युसरा गोस थ्री स्टेप्स फॉरवर्ड, वन टू एंड थ्री। खुदा योर टर्न। दाऊद अलैहि सलाम साल भर कौन से टाइप का रोजा रखते थे, कैसे टाइप से रोजा रखते थे? हाउ डिड ही फास्ट साल भर? रमजान की बात नहीं कर रहे हैं, साल भर। टफ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पास? यस। बिना सहरी के रोजा। मैंने सुना। नो, नेक्स्ट। पास। युसरा? एकदम अच्छी तरह से। अच्छी तरह से रखते थे, लेकिन सही जवाब है कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, फिर एक दिन रखते थे, फिर एक दिन नहीं रखते थे, यानी कि अल्टरनेट डेज रोजा रखते थे। कौन से रोजे? रमजान के अलावा नफिल रोजे बोलते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कितनी इबादत करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी टर्न है? नफीस की टर्न। नेक्स्ट। दो टाइम होते हैं खुशी के टाइम रोजेदार के लिए, दो खुशी के टाइम होते हैं। कौन से दो टाइम होते हैं? कौन से दो खुशी के टाइम होते हैं रोजेदार के लिए? रोजा एंड होने के टाइम। रोजा एंड होने का टाइम, यानी कि क्या टाइम बोलते हैं उसे? इफ्तार। इफ्तार का टाइम। और सेकंड टाइम कौन सा है, जल्दी बताओ? और रमजान खत्म होने के। रमजान खत्म होने के बाद। रॉन्ग आंसर। एक आंसर सही दिए तो हम लोग एक स्टेप तुम्हें आगे देंगे। कहा हो तुम? ऑरेंज। तो एक स्टेप आगे बढ़े, हालांकि थ्री स्टेप जा सकते थे। यस। सेकंड खुशी का टाइम कब होता है रोजेदार के लिए? अपन बाबू रोजाने में जाएंगे। और कुछ ट्राई करो। हो गया, चलो तुमने ट्राई कर लिया। यस। सैरी का टाइम। रॉन्ग आंसर। यस। सेकंड खुशी का टाइम रोजेदार के लिए कब होता है? एक इफ्तार के टाइम पे होता है, और दूसरा खुशी का टाइम जैसे हदीस में आया है, मुझे वो वर्ड सही। ओके, चम सबका पास हो गया। अभी कोई बताना चाहता है? मार्क्स नहीं मिलेंगे, बताओ। कयामत के दिन जब अल्लाह से मुलाकात होगी। थोड़ी देर पहले बताते तो मार्क्स नहीं। किसकी टर्न थी? मेरी। अब अब्दुल्ला की टर्न। अगला सवाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा एक डैश है। रोजा एक डैश डैश है, क्या डैश? यदि सही मुस्लिम में रोजा एक क्या है डैश? यस, क्या है रोजा? रोजा एक डैश है। बहुत अच्छी चीज। ओके, पास। नेक्स्ट। हो गया, बोल दिया। नेक्स्ट। रोजा क्या है डैश? पास। नहीं। पास। नफीस। रोजा। ओके, हदीस सही जवाब है, शील्ड है, शील्ड, ढाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौमु जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। ढाल मालूम है? शील्ड। फाइटिंग करते हैं ना, तो एक तलवार होती है, एक शील्ड होती है। फाइटिंग करते हैं, फिर शील्ड होती है। तो रोजा क्या है? ढाल है। एक हदीस में आता है जुन्नतुन मिनन नार, जहन्नम की आंख से बचाती है। ओके, अगला सवाल। हाँ, रात में नमाज पढ़ने के बाद लास्ट नमाज कौन सी होनी चाहिए? वेरी गुड, करेक्ट आंसर बाय युसरा, वन टू एंड थ्री। अगला सवाल फहुदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को रोजेदार के मुंह की स्मेल क्या चीज से ज्यादा पसंद है? क्या चीज की स्मेल से ज्यादा अच्छी लगती है? कौन सा इत्र? कौन सी चीज की स्मेल से ज्यादा पसंद है? कौन सी स्मेल? पास? नहीं। टाइम अप। यस। मैं सवाल दोहराऊंगा नहीं, अभी आप लोग सवाल ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हाँ बताइए। पास। पास। यस। अब्दुल्ला। पास। यस युसरा। मुश्क। मुश्क, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है युसरा। मुश्क। मुश्क की स्मेल से ज्यादा। हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस। वन टू एंड थ्री। वाला खुलूफ फम सुआइमी अत्यबु इंदल्लाह मिन रीहिल मिस्क, रोजेदार के निकल मुंह से निकलने वाली स्मेल जो है वो अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। ओके, अगला सवाल नफीस।
अगर कोई फास्टिंग पर्सन को आप इफ्तार कराओ तो क्या अजर मिलेगा? फास्टिंग पर्सन को अगर इफ्तार कराएंगे तो क्या अजर मिलेगा? अजर क्या रिवॉर्ड मिलेगा? टाइम अप। यस अब्दुल्ला, फास्टिंग पर्सन को इफ्तार कराएंगे तो क्या अजर मिलेगा? उम्रे का सवाब। नो। यस पास। पास। फास्टिंग पर्सन को इफ्तार कराओ तो क्या अजर मिलेगा? जन्नत का। जन्नत का। ओके, नहीं, रॉन्ग आंसर। जितना अजर वो फास्टिंग पर्सन को मिलेगा उतना अजर आपको मिलेगा। ये आंसर आप लोग नहीं दे सके। अब है टर्न अब्दुल्ला जी। कुरान में कितनी सूराज है? बारास का क्वेश्चन आया था, सूराज का नहीं आया। कुरान में कितनी सूरते हैं? 113। रॉन्ग आंसर। 14 के 13, सोच लो। 14 के 13? 14 करेक्ट आंसर। अब्दुल्ला इज ग्रीन। 1, 2 and 3। यस। युसरा। ओके, मस्जिद में जब एंटर होते हैं तो बैठने से पहले क्या करना चाहिए? दो सुन्नत पढ़ना चाहिए। क्या कहते हो नमाज को? मैं बोलूं? नहीं, इनकी टर्न है। जब मस्जिद में एंटर होते तो पढ़ते हो। कौन सी नमाज है? नाम बोलो। नाम। चलो एक स्टेप पहले, क्योंकि आपने दो रकात पढ़ना है वो सही बोले लेकिन नाम नहीं बता सके। यस हुदा। नफिल। नफिल। ओके, नाम क्या है नमाज का? ठीक है, नफीस, वो नमाज का नाम क्या है? पास। ओके अब्दुल्ला। इत्तर। नहीं। नमाज। तहियतुल मस्जिद। वेरी गुड। अब्दुल्ला गेट्स हाउ मच? 3। 1, 2 and 3। फिनिश वैसे वहां है, वहां से घूम के आना है। ओके, अब हम लेंगे एक एक्टिविटी। ये है युसरा की टर्न। एक्टिविटी चैलेंज, आर यू रेडी? एक वर्ड है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, वो कौन सा वर्ड है तुम्हें बताना है। हाँ, एक ऐसा दिन है जो बहुत खुशी का दिन होता है और वो दिन हम लोग रोजा रख लेते, खत्म हो जाते रोजे, उसके बाद में वो दिन आता है। क्या? एक दिन है जो दिन हमारी जिंदगी में आता है और हम लोग रोजा रख लेते हैं, रोजे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में एक दिन आता है, वो दिन में नमाज होती है। हाँ, वो दिन में बहुत खुशी होती है। हाँ, फ्राइडे। और बस इतना ही बोलूंगा। यस, कौन सा दिन है वो? जुम्मा। जुम्मा। ओके, और कोई आंसर? पास नहीं हो गया, तुमने आंसर तो दे दी जुम्मा। यस यस, कौन सा दिन है वो? पास। पास। यस अब्दुल्ला, कौन सा दिन है वो? ओके, चलो, क्योंकि चारों जवाब नहीं दे सके तो मैं फिर एक बार डिस्क्राइब करता हूं दिन को। फिर से युसरा तुम्हारी टर्न, मिलने वाले 3 marks। एक दिन है जो रोजे का जो महीना है उसके बाद में वो दिन आता है जो बहुत खुशी का दिन होता है, जो दिन एक खास नमाज होती है, लोग अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। यस, ईद। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ईद। युसरा इज 3 steps, 1, 2, 3। यस हुदा, आर यू रेडी? Stand on one leg for 30 seconds. अगर तुमने leg नीचे रख दिए तो out. हाँ, 30 seconds. Are you ready? हाँ, start. One leg. और नीचे आ गया तुम्हारा leg already. हाँ, out. बैठ जाओ. मैं pass हो गया. तुम्हारी turn. Nafees. Nafees, are you ready? Yes. Wait, मैं आपको बोलूँगा start करने. स्टार्ट। 5 seconds हो गए। 10 seconds हो गए।
Nafis is going good. 15. 20. 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Very good, Nafis. Nafis did it. So, Nafis goes 3 steps ahead. 1, 2 and 3. Agla challenge kiske liye? Nafis ke liye. Kyunki ye to tha Khuda ka challenge. Nafis, tumhe 1 to 50 count karna hai. Lekin kaise count karna hai? Backward. 1, 2, 3, 4. जहां पे भी 5 आएगा या 5 का कोई मल्टीपल आएगा वहां बज 1 2 3 4 बज 6 7 8 9 बज ऐसे करना है टिल 50 हां आर यू रेडी टाइम नहीं कंटीन्यूअसली हां आर यू रेडी बैठो बैठ के हां रेडी रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 बज 6 7 8 9 बज 11 12 13 14 बज 16 17 18 19 बज दो पाँव पे खड़े रहना है टोज पर हाँ आंखें बंद करके टोज पर अगर तुमने पाँव नीचे कर दिया 20 सेकंड से पहले तो तुम आउट ओके आर यू रेडी पीछे जाओ यस yes. खड़े हो जाओ उस पर मैं बोलूंगा स्टार्ट तब स्टार्ट करो स्टार्ट अब्दुल्ला इज आउट पास हो गया चैलेंज यस चैलेंज पास होता है यूसरा को पास नाउ हुदा को पास होता है हुदा तुम ट्राई करना चाहते हो ओके करो 20 सेकेंड्स तक ऑन योर टोज क्लोजिंग योर आईज 1 2 3 स्टार्ट क्लोज योर आईज हो गया आउट हो गया आउट आउट बेटर नाउ द चैलेंज गोस टू नफीस ओके नफीस द चैलेंज गोस टू यू हां रेडी आर यू रेडी यस क्लोज योर आईज हां जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब स्टार्ट करना स्टार्ट नफीस इज ट्राइंग 5 सेकंड्स ओवर 10 सेकंड्स ओवर 15 सेकंड्स ओवर एंड नफीस ने 20 फिनिश किया स्टॉप वेरी गुड नफीस गोज 3 स्टेप्स अहेड 1 2 एंड 3 अभी थोड़े से ही सवाल बचे हैं अब हम लेंगे कुछ ग्रुप क्वेश्चंस ग्रुप चैलेंज के अंदर सबके सबको करना है हाँ चारों को करना है आई स्टार्ट सबके सबको एक फ्रूट या वेजिटेबल का नाम लेना है विदाउट शोइंग योर टीथ विदाउट शोइंग योर अगर आपने टीथ बता दिए तो आउट हाँ और नहीं बताया तो 3 स्टेप्स अहेड ओके थिंक ऑफ इट मैं 10 तक काउंट करूंगा फिर आप सबको मैं स्टार्ट करता हूं हां फ्रॉम यूसरा यस स्टार्ट यूसरा मैंगो आई सॉ योर टीथ यस खुदा एप्पल एप्पल में दिख रहा है यस एप्पल ऐसे सेफ एप्पल व्हिच फ्रूट एप्पल एप्पल ओके फल दिख गया लास्ट फल लेकिन तुमने जिस तरह से बोले उसके ना नहीं दिखा तो क्या करेंगे थ्री स्टेप है यस नफीस इज थ्री स्टेप फॉरवर्ड 1 2 एंड 3 ओके नेक्स्ट सेकंड ग्रुप चैलेंज थंब चैलेंज नो थंब चैलेंज नो थंब चैलेंज में क्या करना है आपको अपने थंब को पकड़ना है पकड़ो
थंब को पकड़ो, थंब थंब। अब फिंगर से पेंसिल को पकड़ के उठाओ, पेंसिल को पकड़ के उठाओ और अपना नाम लिखने की कोशिश करो थंब के बगैर। चलो ऐसे नहीं, नीचे रखो। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। हो गया, लिख दिया मैंने, लिख दिया नफीस ने, लिख दिया है। ओके, नफीस इज थ्री स्टेप्स। यस, अब्दुल्ला का नाम थोड़ा लंबा है लेकिन लिख दिया अब्दुल्ला ने। यस सुधा, तो नफीस इज कौन सा? ऑरेंज। 1 2 3 अब्दुल्ला ने भी लिख लिया, अब्दुल्ला इज ग्रीन। 1 2 3 खुदा लिख लो। मैंने लिख दी यसरा। ये कौन सी लैंग्वेज है? चाइनीज लैंग्वेज। फिर से ट्राई करो। यस, यू आर बिकमिंग बेटर विदाउट योर थंब। खुदा बराबर से पकड़ो अपने थंब को। खुदा तुम थंब तुम्हारा यूज कर रहे हो। ये देखो। Yes, Yusra has written. Yusra is also three steps. 1 2 3 Now Huda. Yes, Huda ने भी कर लिया। 1 2 3 अब हम आते हैं हमारे इस last challenge की तरफ और वो है no blink challenge। सारे players को देखना है कि कौन blink last करेगा, मतलब जो सबसे पहले करेगा उसको हम लोग एक point देंगे, जो उसके बाद blink करेगा उसको 2 देंगे, जो उसके बाद करेगा जो उसे 3 पॉइंट्स देंगे और जो सबसे लास्ट में ब्लिंक करेगा उसे 4 देंगे। दोनों बॉयज एक दूसरे की आईज में देखेंगे कि कौन मिस्टेक कर रहा है, अभी नहीं मैं बोलूंगा तब, और दोनों गर्ल्स एक दूसरे को देखेंगे। ऑन योर मार्क गेट सेट बिस्मिल्ला। हदा ब्लिंक कर चुकी है। ओके, फर्स्ट होल्ड मत करो। अब्बा ने भी करा है, अब्बा ने भी करा है। कर लिए ये सब? पहले करे 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 करे। खुदा की टेस्टिमनी काफी है। मैंने नहीं किया अभी तक। तो फिर तुम लास्ट हो। या 4 पॉइंट। ओके, तो कौन था फर्स्ट? खुदा इज फर्स्ट, दैट मींस 1 पॉइंट। उसके बाद युसरा इज नहीं, हम सेकंड सेकंड। हां युसरा पे, युसरा पे। मैं थर्ड हूं, मैं थर्ड हूं। अब्दुल्ला सेकंड यानी कि 2 पॉइंट्स, युसरा थर्ड यानी कि 1 2 3 पॉइंट्स और नफीस फोर्थ यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट्स। हमारा वक्त इस एपिसोड का भी खत्म हो चुका है। गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है और सीखने भी मिल रहा है, साथ साथ में गेम भी हो रही है, और ऐसी ही गेम्स होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ सीखने मिले। तो ऐसा करेंगे कि हम अपनी एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे और इस गेम को भी यहीं पर ख़त्म करेंगे। हालांकि फिनिश लाइन तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सबसे आगे क्योंकि नफीस है तो इसी वजह से नफीस विल बी द नंबर 1 फर्स्ट रैंक, और नंबर 2 होगी युसरा, और नंबर 3 है अब्दुल्ला। हालांकि अब्दुल्ला काफी टाइम तक फ्रंट में था, बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन ये गेम है और गेम में ऐसा होता है। तो योर थर्ड एंड फोर्थ इज हुदा। तो ये है हमारी रमदान चैलेंज गेम। लेकिन असल चीज क्या है आपको मालूम है? असल चीज ये है कि कयामत के दिन जब हम सब जिंदा होंगे तब कौन सबसे आगे है। क्या आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया नेकी में सबकत करो। सबकत करो का मतलब क्या होता है मालूम है? सबकत करो, सबकत का मतलब मालूम है? आगे बढ़ो दूसरों से। नेकी करने में क्या करो? आगे बढ़ो। वो ये मत सोचो मैं लास्ट रहूं, लास्ट नेकी में लास्ट रहूं, ऐसा नहीं सोचना। नेकी में सबसे आगे मैं रहूं। तो कयामत के दिन कौन सबसे आगे है वो असल बात है, isn't it? तो बच्चों और बड़ों हम सब एक रेस में लगे हैं, जो रेस में हमें सबसे आगे बढ़ना है निकियों में इंशाल्लाह, और गुनाहों में बचना है, शैतान की बात नहीं मानना है। शैतान भी अपने रास्ते में गुनाहों में भी रेस लगाता है, बोले चलो चलो और गुनाह करो और गुनाह करो। तो कौन सी रेस में आप लोग लगेंगे, नेकियों की या गुनाहों की? नेकियों की इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ताकि कयामत के दिन सबसे आगे रहे इंशाल्लाह। सब बच्चे अभी बच्चे हो लेकिन अभी से इरादा करो कि आप इस नेकियों की रेस में सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। इसी इरादे के साथ हम खत्म करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। लगता है गेम खेल के बच्चों में ज्यादा एनर्जी आ गई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।